बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में डोसा बनाना सीखें। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और ही बहुत ही मज़ेदार डोसा बन के तैयार होगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। हाय एवरीवन, मैं अनिमा, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय व्यंजन्स बाय अनिमा में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने तेल ले रखा है और उसमें एक चम्मच ब्लैक सरसों डाल लिया है। और यहाँ पर जैसे करी पत्ता, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को काट करके ले रखा है, तो इन सबको हम सबसे पहले डाल देंगे। प्याज भी ले रखा है, एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रखा है, वो हम बाद में डालेंगे। हल्का सा इसको स्टर करेंगे, जैसे ही हल्का सा ये पक जाए, बहुत हल्का सा ही, फिर इसके बाद हम इसमें प्याज अपना जो काट के रखे हैं, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले रखा है क्योंकि मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके ले रखे हैं, तो एक मीडियम साइज़ का प्याज आपको लेना है उसके लिए। जैसे ही प्याज हल्का सा लाल हो जाए, इसमें हम एक चम्मच हल्दी डाल लेंगे। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ आधे छोटे चम्मच लिया है। एक चम्मच नमक ले रखा है। इन सबको हल्का सा फ्राई कर लीजिए, हल्का सा स्टर करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे तीन आलू को बॉयल करके मैश करके रख लिया था, अब इसको डाल लेना है और हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। धनिया पत्ते से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है और टेस्ट भी आता है, तो धनिया पत्ता हम ज़रूर डालेंगे। अब अगर आलू अच्छे से बॉयल हो चुकी है तो आप स्पैचुला से ही आराम से उसको मैश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पोटैटो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ईजिली मैश हो जाता है। अब मैं इसमें सांभर डालने वाली हूँ, इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, अगर आपने बनाया है तो सांभर ज़रूर डालिए। तो एक बेहतरीन सा, बहुत ही टेस्टी सा मसाला हमने डोसा बनाने के लिए तैयार कर लिया। अब बारी आती है बैटर की। तो बैटर बनाना, डोसा और इडली का बैटर बनाना मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। चलिए अब तीसरी बात पे आते हैं, तवे कौन सा यूज करें और कैसे उसका चेक करें कितना गर्म है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो नॉनस्टिक यूज़ करिए या लोहे का, बस जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा गर्म होने के बाद पानी डाल के देखिए। अगर इसी तरीके से बुलबुले आ रहे हैं, इट मीन्स कि तवा प्रॉपर गर्म हो चुकी है। और पानी हम इसलिए ऊपरी सतह में डालते हैं ताकि इमीडिएट थोड़ी देर के लिए एक ऊपर का लेयर है वो ठंडा हो जाए। तो इसी प्रोसेस को करिए, बिल्कुल सेंटर में डोसा का बैटर आप डालिए और बीच से हल्के हाथों से इसे फैलाते हुए हम किनारे तक ले जाने वाले हैं, बिल्कुल जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से। अब हमने जो थोड़े देर के लिए ठंडा किया था ऊपरी लेयर को, वो इसीलिए ताकि बैटर हम ईजिली फैला सकें, और बहुत ठंडा इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि वो डोसा जो है वो एक तवे पे लेयर बना सके, वो चिपक सके। फिर भी अगर आपका डोसा का बैटर चिपकता है तो तवे को गर्म कीजिए और उस पे आप क्या कर सकते हैं, एक प्याज को काटिए और उसको रगड़ दीजिए, फिर तवे को धो करके फिर से बनाना स्टार्ट कीजिए, डोसा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो जैसे ही एक लेयर देखिए नीचे से अच्छे से हो गया है, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो आप ऑयल स्प्रिंकल कीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे इस पर। देखिए मसाला आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मसालेदार डोसा नहीं पसंद करती, इसलिए मैंने बीच में ही थोड़ा सा मसाला ऐड किया है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये डालिए और इसके बाद हमें क्या चेक करना है, हर कॉर्नर्स को एक बार आपको चेक कर लेना है, चारों तरफ से एक बार इस तरीके से स्पैचुला से आप चेक करिए कि किसी किनारे में वो चिपक तो नहीं रहा है। वैसे आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देखिए कितनी आसानी से डोसा देख पा रहे हैं ना आप, बिल्कुल ऐसे ही आराम से ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हो जाए तो इसको फोल्ड कीजिए। इसको फोल्ड करने का भी एक तरीका है, जस्ट फोल्ड कीजिए और थोड़ा सा अपनी तरफ इसको खींचिए, फिर फोल्ड कीजिए और खींचिए, तो एकदम बिल्कुल राउंड सा एक शेप जो होता है वो बन के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप डोसा बनाइए और छोटे छोटे ट्रिक्स को, टिप्स को ज़रूर ध्यान रखिए। तवा का हीट जो है, तवा का जो टेम्परेचर है वो अगर आप मेंटेन करते हैं तो डोसा आपका बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप लोहे के तवे पे डोसा बना रहे हैं तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि तवा ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। अगर ऑयली हो जाए तो उसे वापस से साफ़ करिए और वापस से टिश्यू पेपर से
फिर से पोस्ट के सेम यही प्रोसेस अपनाइए तो आपका डोसा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डोसा कैसा बना।